सिर्फ ये पैसे के लिए ना इन लोगों ने अपने आप को बेच दिया है, इन लोगों ने अपने जमीर बेच दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है? जमीर। अब वो आपके? हाँ। पता नहीं किधर है, मुझे तो नहीं पता, ढूंढो। ओ सामने वाले कमरे में जाओ, देखो सामने वाले कमरे में। आज का वीलॉग स्टार्ट करते हैं जी, वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है। सुबह सुबह नहा के फ्रेश हो गया और अभी बाल जो है ना वो ड्राई करते हैं। सुबह सुबह आप ही आइए तो सारे घर को चमका दिया। ये देखें सफाई हो गई है माशाल्लाह। बस ये इस रूम की सफाई रहती है, तो अब इस रूम की करेगी सफाई। और आज धूप निकली हुई है, ये चेक करें, मौसम आज भी गर्म है। तो अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। बाइक को भी वॉश करना है। ये देखें बेड भी सेट कर दिया। तकरीबन अभी 4 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। 3-4 बार हमने जाने बोला है कि सब्ज़ी लेके आओ, लेके आओ, तो अभी सब्ज़ी लेने के लिए चलते हैं। यहाँ से अभी चिकन ले रहा हूँ और यहाँ से लेते हैं सब्ज़ी। तो कितनी देर लगेगी? बस बन गया। टमाटर मिर्चा ले। सब्ज़ी लेने के बाद मैं आ गया था जी घर और अभी शाम हो गई है माशाल्लाह, सूरज ग्रूप होने वाला है। ये देखिए थोड़ा सा रह गया है, खाना भी माशाल्लाह से रेडी हो गया है। तो आपको दिखाएंगे भी आज क्या क्या बनाया है हम लोगों ने। शाम का व्यू माशाल्लाह, जो हमारे आम है ना वो अब लगना शुरू हो गए हैं। सरेकी में हम लोग बोलते हैं कि आमों के ऊपर बोर लग रहा है। तो वो आपको दिखाते हैं जी माशाल्लाह। ये देखें इस आम पे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है और इस आम पे भी नहीं लगा, इस आम पे भी नहीं लगा, ये पता नहीं क्यों नहीं लगा। साइड से दिखाता हूँ आपको, बहुत ही प्यारा प्यारा बोर लगा हुआ है माशाल्लाह। ये चेक करें जी, ये जो आम का पौधा हम लोगों ने लगाया था काफ़ी अरसे से लगाया, लेकिन एक बार ना ये ट्रैक्टर के नीचे आया था, टूट गया था, जिसकी वजह से ये फिर बड़ा ही नहीं हुआ। यहाँ से घर की लुक बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। शाम का जो मज़ा आता है ना शाम को खेतों में, यकीन करें ऐसा मज़ा कहीं नहीं होगा। जो शहरों में है या बाहर मुल्क बैठे हैं तो वो बहुत मिस करते होंगे इस चीज़ को। वो देखे कवे दरख्त के ऊपर कैसे बैठे हुए हैं। अभी घर चलते हैं और घर जाके आपको दिखाते हैं अफ्तारी में माशाल्लाह क्या क्या बना हुआ है। तो आप लोगों से बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो इस चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को डेली व्लॉग मिलेगा और न्यू न्यू इंशाल्लाह व्लॉग मिलेगी आपको। क्या कर रहे हो? वालेकुम सलाम। सुबह से आप तो घर ही नहीं गए आज, इन लोगों ने कुल्फियाँ खाई हैं तो इसलिए इनके मुंह चेक करें भाई। उस्मान किधर है? उस्मान माशाल्लाह जी, ये देखें ये अफ्तारी हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह। खाना खा लिया है और फुल अंधेरा भी हो गया है भाई। तो आज आप लोगों से, मैंने कल बोला था कि कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी थी, आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत आते हैं और तो मेरी जो बातें हैं आप लोगों ने गौर से सुननी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब से हमारी लड़ाई हुई है मैंने किसी को कोई गाली दी हो या मैंने किसी पे बात की हो, सोनिया जब से यहाँ से गई है तो उस दिन से लेकर अब तक मैंने उसके माँ बाप को इज़्ज़त से बोला है, उनकी रिस्पेक्ट की है। तो मेरे माँ बाप को उसने क्या बोला है? मेरे माँ बाप को उसने गालियाँ दी, मेरी बहनों को गालियाँ दी,
क्या मैंने कोई गाली दी है उसकी बहनों को या उसके भाइयों को या उसके माँ बाप को, किसी को भी मैंने कोई गाली दी हो या कोई बात की हो, किसी के अंगेंस्ट वीडियो बनाई हो, या हमारे जो ये बस्ती है हमारी यहाँ पे हर दूसरा बंदा यूट्यूबर है, जितने लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, क्या मैंने किसी को जवाब दिया है या किसी को मैंने रोका है या मैंने किसी को बोला है कि मेरे लोग वीडियो क्यों बना रहे हो? तो हर बंदा व्यूज़ के चक्कर में अपनी अपनी दिल की जो जहर है ना वो निकाल रहा है, दिल का जहर। तो कल मैंने वो जूता दिखाया था कि सोनिया ने मुझे वॉइस की थी, जिस दिन लड़ाई हुई ना उस दिन उसने मुझे वॉइस की कि मैं तुम्हें अपने जूते के बराबर भी नहीं समझती, वो वॉइस भी मैंने लगाई थी, तो वो मेरी ये इज्जत रखती थी। तो मैंने वो जूता दिखाया तो वो जूता अब देख लें सारे जितने भी यूट्यूबर हैं ना, सब लोगों ने यहाँ पे थाम लगाया होता है और वो जूता जो है ना अब वायरल हो गया है। ये देख लें कि जूते को पकड़ के वायरल कर दिया है, तो इस तरह के ये लोग हैं। तो अब बात करते हैं सोनिया की। तो वो देखें, सबसे पहले जब उसने लड़ाई की है यहाँ से कही है, उसे मैंने बोला था कि टिकटॉक छोड़ दो, इसने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन ये काम नहीं छोड़ सकती। अब वहाँ पे जाके जब इसने 5-10 दिन टिकटॉक चलाई तो लोगों ने वीडियो बनाई कि वसीम ने तुम्हें बोला था टिकटॉक छोड़ दो, तो अब टिकटॉक के लिए तुमने अपना घर बर्बाद कर दिया है, तो अब बोल रही है मैंने टिकटॉक छोड़ दिया है। वहाँ पे अब मैं बिठा रहा था तुम्हें 15 दिन, तुम वहाँ पे लाइव बैठी रही हो रात को 3-3 बजे सुबह सोती, वो बोल रही थी कि मैं रात को सोती नहीं हूँ, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, वीडियो मैंने बनाई हुई है सारी जिसकी वजह से हमारी लड़ाई हुई, तो मैंने अभी तक वो नहीं लगाई, मैं लगाना भी नहीं चाहता, उसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। तो मैंने अब मैं बिठा रहा था उसे लाइव, या मैंने उसे बोला कि अब तुम ये काम करो, तो उसके माँ बाप ने बिठाया है ना, मेरी क्या गलती है? मैंने उसे बोला है कि इज्जत के साथ रहो, मेरे साथ इज्जत के साथ रहो, मैंने सिर्फ उसे बोला। अगर वो नहीं रहना चाहती तो मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। अब वो चाहे मेरे ऊपर वीडियो बनाए, लोगों को बुरा बुरा कहे, किसकी वजह से कोई किसी की वजह से, अब बोलती है कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं या बाकी और जितने चैनल वाले हैं उन लोगों ने हमारा घर खराब कर दिया है फलां बंदे की वजह से। क्या उन लोगों ने तुम्हें बोला था कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ के, ठीक है, उसे ये बोलो सिर्फ चंद डॉलर के लिए, उसे बोलो कि मैं तुम्हें जूते के नोक पे रखती हूँ और मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम कौन हो, ये बंदा मुझे 20,000 की गिफ्टिंग करता है डेली। इस तरह की तुम बातें करोगी और लोग वो वीडियो बनाएंगे तो फिर तुम्हारी सच्चाई जब सामने आ गई, फिर तुमने कसमों का सहारा लिया, मैं कसम उठा रही हूँ वसीम, 1 साल तुम यहाँ पे रही हो, तुम्हें पहले पता नहीं चला कि वसीम मुझे मारता है, अब तुमने झूठी कंप्लेन मेरे खिलाफ करवा दिया पुलिस में जाके, तो तब करवा देती, हकीकत में जब मैंने मारा था तुझे वहां चली जाती कि ये देखो वसीम ने मुझे मारा है और इस पे एक्शन लो, तब क्यों नहीं गई? अब झूठिया कसमा उठा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। मैं यहां पे सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, आप लोगों को समझ आए या ना आए, सिर्फ ये पैसे के लिए ना इन लोगों ने अपने आप को बेच दिया है, इन लोगों ने अपने जमीर बेच दिए हैं, लेकिन मैं इतना बिकाऊ नहीं हूं, ठीक है ना, मैं लानत भेजता हूं ऐसे पैसे पे जिसमें इज्जत ना रहे। इज्जत तो वैसे ही इसने रखी नहीं है, अब जिस तरह की इसने लैंग्वेज यूज़ किया, मेरे अब्बू को गालियाँ दी, मेरी माँ को गालियाँ दी, मेरी बहनों को गालियाँ दी, क्या मैंने दी हैं? मैंने इसकी फैमिली को कोई बुरा भला कहा है? मैंने इतना सब्र किया और इसने बात बात पे मुझसे डिवोर्स मांग किया, क्या मैंने डिवोर्स दे दी है? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। ये पहले गई है थाने में मेरे खिलाफ कंप्लेन करवाई इसने, ठीक है, झूठी, जब उन लोगों ने इसे बुलाया तो ये नहीं गए, भाग गए वहां से, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इसने मुझे छोड़ा है और इसने पूरी दुनिया में मुझे बदनाम किया। लैबा का चैनल इसने डिलीट किया, इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया था, अब ये इसने घर अपना खुद तबाह किया है और इल्ज़ाम मुझ पे लगाया है, अब ये झूठी कस्में उठाया, जो करना है करें, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इसने इज्जत हमारी वैसे भी उछाल दी है, अब तो वो चीज़ें वापस आ ही नहीं सकती जो इसने बोल दिया है। और हमेशा सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, वह तो इज़्ज़ु मंतशा वह तो ज़िल्लु मंतशा, ये बोलती है कि मैं वसीम को बदनाम कर दूंगी, वसीम के साथ ये कर दूंगी, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ये वक्त बताएगा कि किसके साथ क्या होता है, अल्लाह ताला सब देख रहा है कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। तो मैंने जब भी इसे समझाने की कोशिश की है तो मैंने इसे एक लफ्ज़ बोला है, इज़्ज़त से रहो, इज़्ज़त में रह के काम करो, जो भी काम करना है इज़्ज़त के दायरे में रह के काम करो, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। बहरहाल जो भी हो गया है, मैं नहीं चाहता था कि हमारा घर ख़राब हो, मेरे माँ बाप, मेरी अम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है हद से ज़्यादा, लेकिन इसे ये उसे भी गालियाँ दे रही है जिसने इसे 1 साल इसे रोटियाँ बना के खिलाई, इसे खाना अम्मी जाने से काम नहीं करने देती थी, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा ये क्या काम करती थी, जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करती है और जिस तरह की वो बात करती है ना वीडियो के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है, वो मेंटल हो चुकी है, तो उसकी उसे इलाज की ज़रूरत है, उसे इलाज करवाना चाहिए, उसके बाद वो वीडियो बनाए चाहे जो भी बोले, लेकिन उसे पहले अभी इलाज की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा कि अपने दिमाग का इलाज करवाओ,
क्योंकि कोई भी औरत इतना गिर ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए वो इस तरह की बातें कर ही नहीं सकती। अपने हाथों से अपना उसने घर खराब कर दिया है, अब इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही है, लोगों पे लगा रही है, फलां मेरा दुश्मन है, फलां मेरा दुश्मन है। क्या उन लोगों ने तुझे बोला था कि जाके वीडियो बनाओ? पहले जब इसने पहले एक वीडियो बनाई थी, जब मैं मरी गया था तब इसने वीडियो बनाई थी, जब मैं अब लड़ाई हुई उससे पहले इसने वीडियो बनाई, जाके वसीम ने ये कर दिया, मुझे मारा, फिर दूसरे दिन वीडियो लगाई, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। अगर इसके माँ बाप को इसके घर बसाने की होती ना, तो वो इससे पूछते कि तुम अपने हस्बैंड की पूरी दुनिया में इंसल्ट कर रही हो, क्यों कर रही हो, हमें बताओ क्या वजह है। लेकिन उन बेचारों की इतनी जरूरत नहीं है कि इससे एक लफ्ज़ भी बोल सके, क्योंकि ये तो उस घर का मास्टर है, ये तो उस घर का वजीर आजम बना हुआ है, जो ये बोलती है वो होता है। तो उस घर में जो ये बोल दे, इसने बोलना है बाप को ये मेरा काम करना है, गलत है सही है, वो करेगा, मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे इसकी आदत पड़ चुकी है अब ये बातें मनवाने की और सब कुछ। अगर इसकी कोई बात नहीं मानता है तो वो उसके खिलाफ हो जाती है। अभी आप लोग कहते हैं कि वीडियो भी लगा के दिखाओ, जो वीडियो मैंने बनाई हुई है, मेरे पास वो वीडियो हैं, लेकिन मैं लगाना नहीं चाहता क्योंकि उनका फ़ायदा कोई नहीं है, उसमें इंसल्ट हो जानी है सबकी, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि वो इस तरह की वीडियो लगाएं जिसमें ये वहाँ पे जाके इसने जैसे लाइव चलाई और जिस कदर ये बातें कर रही थी, ठीक है, तो वो मेरा दिल नहीं करता कि मैं उस तरह की कोई वीडियो लगाऊं। तो बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये भी कोई बात ना करे और मैं भी कोई बात ना करूँ, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। कल मिलूंगा नए व्लॉग के साथ।